बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके देश और दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। आखिरी बार उनको सिल्वर स्क्रीन पर साल 2019 में देखा गया था। फैंस उनको लंबे समय से बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं और अब वो अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान के साथ एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने वाले हैं। जहां एक तरफ फैंस शाहरुख को लंबे समय से देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पठान को लेकर लगातार विरोध के भी सुर उठ रहे हैं। अब तक फिल्म के गाने से लेकर कॉस्ट्यूम तक कई चीजों पर बवाल खड़ा हो चुका है। फिल्म के बॉयकॉट की लगातार मांग उठ रही है। लगातार विरोध के चलते ही मेकर्स को इस फिल्म के कुछ सीन्स पर कैंची भी चलानी पड़ी है। इसी बीच यानी कि आज 10 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मैं एक सोल्जर हूं पठान, तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। So are you in or are you out? ट्रेलर में शाहरुख के किलर एक्शन के साथ उनके लुक्स और दीपिका संग रोमांटिक केमिस्ट्री ने हर किसी का दिल जीत लिया है। ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान नए साल में कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। पार्टी पठान के घर पे रखोगे? तुम्हें मरना बाजी के लिए पठान तो आया, और पटाखे भी लाए। बता दें कि ये फिल्म 1970 के दशक की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वहीं अगर ट्रेलर की बात करें तो इसकी शुरुआत जॉन अब्राहम के साथ होती है। जॉन अब्राहम एक टेररिस्ट है जो भारत पर एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, और तभी पठान के रूप में शाहरुख खान की धमाकेदार एंट्री होगी। दीपिका पादुकोण भी शाहरुख खान के साथ जबरदस्त एक्शन करती हुई नजर आएंगी। वहीं ट्रेलर को देखकर साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में एक्शन सीन्स की भरमार है। बताते चलें कि ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंडिंग वीडियोस में पहुंच गया है। महज चंद मिनटों में इसके व्यूज मिलियंस में आ गए हैं। बता दें कि ये फिल्म सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्ट की गई है, जबकि फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। पठान को दुनिया भर की अलग अलग बेहद ही खूबसूरत लोकेशंस में शूट किया गया है। वहीं अगर स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के अलावा डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म 25 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। हिंदी के अलावा ये फिल्म तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की जाएगी। गौरतलब है कि फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और पठान ट्रेंड कर रहा है। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आखिर शाहरुख की इस मूवी में फैंस के लिए क्या नया होता है, और क्या ये फिल्म फैंस को लुभा पाने में सफल होती है या नहीं। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा पठान का ट्रेलर। ऐसी ही मनोरंजन जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।